चुनाव संजय शुक्ला चुनाव नहीं हारा है, ये हारी है हमारे हम हारे क्योंकि इंदौर की जनता का मुझे जो प्यार मिला है, जो दुलार मिला है, वो जिंदगी में ना मिला है ना मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे चुनाव होते देखे हैं मैंने, लोकसभा विधानसभा कई चुनाव देखे, परंतु तो इतना एक कैंडिडेट को इतना प्यार 2 महीने के अंदर मिल रहा हो मैंने जिंदगी में ना देखा है। तो हम बच्चों का प्यार मिला, मुझे बूढ़ों का मिला, हमारी बहनों का मिला, महिलाओं का मिला, सभी का मुझे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। परंतु ये जो हमसे चूक हुई है कहाँ से हुई कैसे हुई इसका हम विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मेरी गलती दूसरे भी बता सकता है, क्योंकि मेरी गलती मेरे परिवार के लोगों ने बताई बेटा तू ये गलती कर रहा है इसलिए तू सबक सीख। तो ये मेरी विधानसभा के लिए मुझे सबक होगा, इस सबक को हम आगे बढ़ के हम विकास करेंगे। इंदौर शहर का मैं आज भी महापौर हूँ, विधायक हूँ, इंदौर शहर की लड़ाई लड़ता रहता हूँ हमेशा लड़ी, भले कोरोना काल हो या विकास की बात हो या अतिक्रमण की बात हो या ठेले वालों को परेशान किया जा रहा हो या व्यापारी को परेशान किया जा रहा हो, हर लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, क्योंकि मैं जनता मेरा परिवार है। तो आज भी मुझे लाखों वोट मिले तो मैं उसका एहसान जिंदगी होने चुका हूँ। ये अभी हम विश्लेषण करेंगे अब कैसे हारे हैं क्या है, तो हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हम भोपाल और दिल्ली से बड़े नेता नहीं आ पाए प्रचार करने के लिए, आपके लिए एक बड़ा कारण मानते हैं? आप देखते हैं मैंने तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को छोड़ के पूरा सबको इंदौर ला दिया, ये मेरी बहुत बड़ी जीत थी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। 3-3 दिन इंदौर रह रहे, 4-4 दिन इंदौर में रह रहे हैं, बीडी शर्मा रह रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया रह रहे हैं, संगठन मंत्री रह रहे हैं, यहाँ तक कि पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई थी मुझे हराने के लिए, ये मेरी बहुत बड़ी जीत है कि सबको रोड पर आना पड़ा। आदरणीय हमारी ताई भी पहली बार नगर चुनाव में आए, ऐसे सभी नेता रोड पर आ गए थे, इसका मतलब ये मेरी जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार है, परंतु जनता ने उनको चुना है, मैं चुना तो उसको। संजय भैया, कांग्रेस के बड़े नेता अगर आते परिवर्तन हो सकता था, ये जो परिणाम आया परिवर्तन हो सकता था क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, परंतु हमने उनको इसलिए बुलाया कि इंदौर में मैं अकेला ही, हमारे इंदौर के जो नेता वही काफ़ी हैं, और देख लिया होगा आपने इंदौर के हमारे नेता और हमने मिलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री छोड़ के बाकी सबको रोड पे ला दिया। इसका मतलब ये कि 20 साल से इंदौर शहर में कोई विकास नहीं हुआ था, परंतु हमने जो हम हारे हैं और कैसे हारे हैं उसको प्रदर्शन करेंगे, तो पूरी भारतीय जनता रोड पे ला दिया, ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। मेरे से कोई गलती हुई होगी ये उसका मेरा सबक है, इसलिए मैं अपनी विधानसभा को सुधारने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ये मौका मुझे बाद में मिलता 2023 के अंदर तो मैं सुधर नहीं पाता और मैं हार जाता, परंतु आज मुझे मेरी अंतर सिखा दिया है कि मैं मेरे परिवार ने कि आपने क्या गलती करी, हम बैठ के मेरी विधानसभा में क्या गलती हुई है उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे, और 2023 में हमारे छोटे भाई उनको बधाई दूंगा, उनको जहाँ मेरा सहयोग लगेगा मैं करने को तैयार हूँ, और जहाँ उनने गलत करा तो उसका विरोध भी मैं खुल के करूँगा, क्योंकि मेरे को भी जनता ने मुझे वोट दिया, वैसे भी मैं विधायक हूँ, और इंदौर शहर मेरा अपना शहर है, तो मैं उसको लड़ता रहूँगा, मेरा सपनों का शहर नहीं है, लोगों ने झूठ बोलकर ये करके सपनों का शहर बनाया हुआ है, परंतु उन्होंने क्या करा ये जनता बताएगी, परंतु 2023 के अंदर कभी एक साल में कुछ नहीं करा तो इंदौर से अंदर भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ हो जाएगा।